हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये लेक्चर नंबर 1 है और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो भी आपके शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं थर्मोडायनामिक्स में, या थर्मोडायनामिक्स क्या होती हैं। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना रखा था, बट क्योंकि उसमें वॉइस की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से ये लेक्चर बनाया है। तो अगर आप लोगों को उसमें समझ नहीं आया है तो आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसके बारे में, और थोड़ा और जो भी पोर्शन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अगर हम लोग फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करते हैं, तो थर्मो का अर्थ होता है थर्मल। थर्मल वर्ड से बना है थर्मो। थर्मल का अर्थ होता है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि जब कन्वर्ट होती है, जब उसका परिवर्तन होता है, जब वो डायनामिक्स के थ्रू फ्लो करती है। डायनामिक्स का अर्थ होता है फ्लो। फ्लो के थ्रू वो एक कन्वर्जन होता है उसका। और जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है, इसको हम लोग कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो मतलब होता है थर्मो का अर्थ है थर्मल, मतलब कि एक प्रकार की ऊष्मा, एक हीट एनर्जी। और डायनामिक्स का अर्थ है फ्लो। जब फ्लो होके थर्मल जब फ्लो होके कन्वर्ट होती है और वो दूसरे एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रकार की जो साइंस होती है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अगर हम लोग हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग ऊष्मगतिकी कहते हैं। ऊष्मगतिकी इसका हिंदी का कन्वर्जन है, हिंदी का ट्रांसलेशन कह सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में ऊष्मगतिकी कहा जाता है। ये है कंप्लीट इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत वाइड साइंस है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी साइंस है, तो इसका कुछ वर्गीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अगर फर्स्ट वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, तो वो होता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक दृष्टिकोण से देखा जाता है, कंप्लीट जो भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम है उसे हम लोग एक प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, या फिर कुल। कुल का मतलब है टोटल। तो टोटल या फिर काफ़ी बड़ी चीज़। तो जो भी बड़ा होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा अप्रोच जिसमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब छोटे स्तर पे जो मॉलिक्यूल्स में क्या घटना हो रही है, इसको ना देखते हुए इस पूरे को एक मान के जब हम चलते हैं, तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसका मतलब ये होता है, मैक्रोस्कोपिक दृष्टि से तात्पर्य है कि निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को एक मानते हुए उसके परिवर्तनों को अध्ययन करते हैं। जब भी हम लोग इसको एक मानते हुए इसके परिवर्तन को अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा नीचे चला गया है बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम लोग इस संपूर्ण को एक मानते हुए इसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम लोग इसके वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से या मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से नाप सकते हैं, तो पहला तो हो गया हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। तापमान, प्रेशर का मतलब होता है दाब। ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल की पढ़ाई में अब तक पढ़े होंगे। इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा नया शब्द है आपके लिए, और एंट्रोपी भी।
तो ये दोनों शब्द के बारे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आगे के जो भी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे उसमें हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतना समझ गया कि जब भी हम लोग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम लोग एक प्रकार से टेम्परेचर ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं। अच्छा, कैसे नाप सकते हैं इसकी वैल्यू, ये हम लोग समझते हैं इससे। सपोज़ हमारे पास ये एक मैटर है, कोई भी मैटर है जिसकी कुछ क्वांटिटी को हमने ले लिया है। ये पूरा मैटर जो है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। हर मॉलिक्यूल्स का अपना एक टेम्परेचर है। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे एक बर्नर है, बर्नर से इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। जो बर्नर का टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा ये 40 डिग्री सेल्सियस में अपना वाइब्रेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, या समझ लीजिए इसका जो तापमान होगा ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा। इससे ऊपर जैसे हम बढ़ते जाएंगे, क्या पता तापमान थोड़ा सा कम हो या फिर इसका जो वाइब्रेशन हो वो इतना ना हो करके कुछ 39 डिग्री सेल्सियस हो या 39.5 हो या कुछ भी हो, जो भी होगा। बट हम लोग ओवरऑल को कंसीडर करते हैं कि इस पूरे के जो भी वैल्यू है वो एक एवरेज वैल्यू लेते हुए हम लोग कंसीडर करते हैं कि सारे का जो भी तापमान है वो अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से देखें तो नियरली वो 40 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। तो हम लोग इसमें एकदम छोटे एटॉमिक स्तर पे या मॉलिक्यूलर स्तर पे ना जाते हुए एवरेज वैल्यू लेकर ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हो जाता है। अब इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैक्रो स्तर पे या बड़े स्तर पे हो रहा है चेंजेस, तो वो चेंजेस जो भी होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स से, मतलब हम उन्हें देख सकते हैं या फिर हम किसी प्रकार से उनको फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैटर है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, जब इसका तापमान हो जाएगा हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस, तो मे बी शायद 1000 डिग्री सेल्सियस, तो मे बी शायद उसके कलर में कुछ चेंजेस आ रहे हों या फिर उसके जो भी मटेरियल का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो दिखने में कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस लेवल पे जब भी कोई चेंजेस हो रहे होते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। और इस टाइप की जब भी स्टडी होती है थर्मोडायनेमिक्स की तो वो हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। तो जब भी हम लोग देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो यहाँ पे माइक्रो का अर्थ है अणु यानी कि एटम। तो एटॉमिक लेवल पे जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं वो हमारा माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। इन दिस अप्रोच द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी कम्पोज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब हर एक पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी अलग है। हर एक पार्टिकल, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों में आपस में काफ़ी फ़र्क है। तो इन दोनों के जब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो अलग अलग आएगी, और उसी को ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब हम इसमें चेंजेस की बात करते हैं, तो चेंजेस इन सिस्टम के लिए हमें कोई एक एडवांस स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक पार्टिकल को हमने डिफरेंट माना है एक दूसरे से। तो ये जो इस प्रकार का अप्रोच होता है इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको देख लेते हैं पहले। माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से तात्पर्य है कि द्रव्य का प्रत्येक अणु एवं परमाणु के गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, और ये हर एक पार्टिकल को समझा जाता है कि वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है और उसके बाद उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। जब भी हम लोग इस तरह की माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, एक प्रकार का सांख्यिकीय ऊष्मागतिकीय कहलाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जो भी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है या फिर जो भी हम लोगों की नॉर्मल इक्वेशन चल रही थी जो हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में लगा सकते थे, वो सारी इक्वेशन इसमें ना यूज़ करते हुए हमें एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच करना पड़ता है, जिसमें हम लोग छोटे से छोटे चेंजेस को भी कंसीडर करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी मतलब वेग,
काइनेटिक एनर्जी हो गई जो कि आपकी गतिज ऊर्जा होती है, इसी से रिलेटेड आपका मोमेंटम हो गया या फिर आपका इम्पल्स फोर्स होता है, ये सारे जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका कहलाता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आता है। इसको समझते हैं कैसे होता है ये। सपोज़ मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है जो कि फ्लो कर रहा है, जब ये फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v1 और इसके बाद इसके थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। मतलब हर पॉइंट पे ईच मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब भी इसकी वेलोसिटी में हम लोग चेंजेस कंसीडर करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के स्मॉल डिस्टेंस पे ही वेलोसिटी में चेंजेस आ गए हैं। अब जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसमें वेलोसिटीज़ में मॉलिक्यूलर लेवल पे ही चेंजेस आ जा रहा है, तो वहाँ पे हमें नॉर्मल जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो ना लगते हुए एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स अप्रोच करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पढ़ाई करते हैं या थर्मोडायनेमिक्स में जो भी पढ़ते हैं, वो हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि हमारी वेलोसिटी जो है वो एक पॉइंट पर कॉन्स्टेंट है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके मॉलिक्यूल्स को ना लेते हुए हम लोग एक एवरेज वैल्यू लेके हुए चलते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेते हुए चलते हैं, तब हम लोग उसके वेलोसिटी को माप सकते हैं, मेजर किया जा सकता है एवरेज वैल्यू लेते हुए। इसलिए ये सारे अप्रोच के थ्रू, क्योंकि वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए उसकी वैल्यूज़ हर बार बदलती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये वैल्यूज़ को हम लोग एक प्रकार का कांस्टेंट मानते हुए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से पढ़ लेते हैं, अगर हम लोग अपने इस नॉर्मल कॉलेज लेवल की बात करते हैं। और जब हम लोग हायर स्टडीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को कंसीडर किया जा सकता है। हमारी सेंस ऑर्गन्स इसको फील नहीं कर सकती है, हमें इसके लिए स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें सेंस ऑर्गन से दिखाई नहीं देता है कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो या फिर जो भी वेलोसिटी है मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस से जब वो 10.00003 डिग्री सेल्सियस बदलती है तो हमें ज़्यादा कुछ उसका प्रभाव पता नहीं चलता है, ये हमारा सेंस ऑर्गन फील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी मॉलिक्यूलर लेवल पे ये घटना हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग और भी सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, और ये हमारे दोनों अप्रोच माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक हो जाएंगे। यूजुअली हमारे एग्ज़ाम में इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, तो ये हम लोग अगर ये कंप्लीट नोट्स देखें तो हम लोग आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। आप चाहें तो जो नोट्स स्टार्टिंग में था ये थोड़ा सा बैग जाके अभी थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो थोड़ा सा आप लोग बैग जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कॉपी पेन से लिख लें इसको तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, दोनों का क्या वर्गीकरण होता है उसके बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक ऊष्म गतिकीय निकाय किसको कहते हैं, समझते हैं इसको। अ फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब कोई भी एक फाइनाइट क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि गिनी जा सकती है, अनगिनत नहीं है, एक सीमित है क्वांटिटी हमारी ऑफ मैटर और अ प्रिस्क्राइब्ड रीजन, या फिर कोई रीजन जो कि निश्चित क्षेत्र है ऑफ अ स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द एनालिसिस ऑफ अ रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। किसी भी कोई भी समस्या है हमारे पास, सपोज़ हमें कोई एक पिस्टन है, सिलेंडर है और पिस्टन है, या फिर कोई बर्तन है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा बर्तन है ये एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और हमें नापना है कि 10 मिनट के बाद इसका तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो जब हम इसके टेम्परेचर के इंक्रीज़ को देखेंगे और ये पर्टिकुलर एक कंटेनर है जिसमें वाटर कंटेन है, तो वाटर प्लस कंटेनर एक हमारा एक निश्चित क्षेत्र हो जाएगा जिसमें हमें टेम्परेचर को मेजर करना है। मतलब हमारी टोटल जो प्रॉब्लम है उसका हमें एनालिसिस करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पर हमें सारा कॉन्सेंट्रेशन अपना, सारा अटेंशन अपना कॉन्सेंट्रेट कर देना है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा।
ठीक है, हिंदी में इसको समझते हैं। ऊष्मगतिकी निकाय वह निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। रेखा द्वारा घेरा क्षेत्र, जो भी हमने रेखा द्वारा क्षेत्र को घेरा है, तथा उसमें उपस्थित द्रव्य, इसके अंदर जो भी हमारा वर्किंग मीडियम है या जो भी हमारा फ्लूइड है, ये दोनों मिलके हमारा एक ऊष्मगतिकी निकाय बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है। इसे हम लोग फिर से डिटेल में स्टडी करते हैं। सपोज मान लिया कि ये हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंडर है और इसके साथ एक पिस्टन है, इन दोनों का अरेंजमेंट है। पिस्टन यहाँ से प्रेशर क्रिएट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर कोई एक वर्किंग फ्लूइड है, तो ये दोनों हमारा मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ सराउंडिंग कहलाएगा, जिसे हम लोग परिवेश कहते हैं। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ये जो सिलेंडर का आउटर सरफेस है, ये एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, जिसे हम लोग परिसीमा कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग मिल के हमारे यूनिवर्स कहलाते हैं, जिसे हम लोग समष्टि कहते हैं। इस कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द बाउंड्री। बाउंड्री जिसको हम लोग हिंदी में परिसीमा कहते हैं, यह वह लाइन होती है विच डिफरेंशिएट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इस लाइन का मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो लाइन होती है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। वह रेखा जो ऊष्म गति की निकाय तथा परिवेश को पृथक करती है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। समझते हैं इसको। एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ वाटर है, वाटर और कंटेनर, और यहाँ पे एयर है। यहाँ पे कंटेनर एज अ बाउंड्री एक्ट कर रहा है। यहाँ पे बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है कि ये हमारा कंटेनर है जो कि एक बाउंड्री का काम कर रही है। अगर हम लोग इसके ऊपरी सतह की बात करें तो ऊपरी सतह में, दूसरे पेन से दिखाते हैं, ऊपरी सतह में मान लीजिए ये एक आपका वाटर है और वाटर के ऊपर एयर है, मतलब इसके बीच में कोई कंटेनर का कोई भी स्पेस नहीं आया है। मतलब यहाँ वाटर और एयर के बीच में एक बाउंड्री है जो कि इमेजिनरी बाउंड्री है। इन दोनों को पृथक करने वाली या डिफरेंशिएट करने वाली कोई कंटेनर की लाइन ना होते हुए एक इमेजिनरी लाइन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो कि एयर और वाटर को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, ऊपरी सतह की अगर बात करें तो। नेक्स्ट हमारा होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग की हिंदी होती है परिवेश। कोई भी रीजन, निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्र, मतलब बाउंड्री के जो भी बाहर का भी क्षेत्र है, द रीजन आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो सिस्टम है कंटेनर और वाटर का प्लस जो एयर है, तो ये दोनों मिलके हमारी एक यूनिवर्स कहलाते हैं, जिसे हम लोग समष्टि कहते हैं। तो इस ये जो कंप्लीट लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। सिस्टम के हम लोगों ने डायग्राम देखा और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे चैप्टर को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।